नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आइए देखते हैं वीकली करंट अफेयर 2022 23 मई से 29 मई तक सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस इंटरनेशनल टी डे किस दिन मनाया जाता है? 21 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच किस देश ने अपने नागरिकों के भारत समेत 16 देशों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह देश जिसने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन शुरू किया है, जो ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है? बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन ब्यूरो ऑफ साउथ वर्क के मेयर चुना गया है? सुनील चोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है 23 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया, इसे कितने करोड़ रुपये में स्थापित किया गया है? 220 करोड़ रुपये में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल बायोडिस्पर्सिटी डे किस दिन मनाया जाता है? 22 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है, यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हाल ही में ट्विटर के निर्देशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है? जैक डोर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने 23 मई 2022 को टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में 31,400 करोड़ रुपये की मेगा परियोजना की शुरुआत की है? चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह अब किसे राज्य के विश्वविद्यालय का चांसलर बनाने की मंजूरी दे दी है? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया? दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्स ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? गीतांजलि सिरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने साल 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को 9.1% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 8.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल एक्सेस टैक कंपनी कीजी द्वारा रिलीज किए गए अध्ययन के अनुसार घर से काम करने के लिए जो शहर दुनिया का सबसे अच्छा शहर है? सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की बलजीत कौर एक महीने से कम समय में 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई कितने पर्वत चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्य जिसके मुख्यमंत्री ने हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए नए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्री ने के अनुसार सरकार किसानों को उर्वरक की कीमतों में वृद्धि से बचाने हेतु कितने लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी प्रदान करेगी? 1.10 लाख करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी बजट 2022 पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि निराश्रित महिला पेंशन को बढ़ाकर कितने रुपये कर दिया गया है? 1,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय सक्सेना ने हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल के पद पर शपथ ले ली है? दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने ओलंपिक विजेता जेलविन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को किस देश के कोटाने ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्र में भेजे जाने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है? फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ IOMA के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? नरेंद्र बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैम्बेट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्पस में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी जो बन गई है? कैप्टन अभिलाषा बराक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक फोरम
विश्व आर्थिक फोरम वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की वार्षिक बैठक 2022 से 26 मई 2022 तक किस देश में आयोजित की जा रही है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल मंत्रालय ने कहा कि वह एक स्वदेशी हाइपर लूप प्रणाली विकसित करने के लिए किस आईआईटी संस्था के साथ सहयोग करेगा? आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? जॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसल कर कितने स्थान पर आ गया है? 54। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? कपिल सिब्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह देश जिसकी सरकार ने कहा है कि घरेलू उपलब्धता और कीमतों की स्थिरता बनाए रखने के मद्देनज़र 1 जून से चीनी के सीमित निर्यात की अनुमति देने का फैसला लिया गया है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथनी अल्बानीस ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? WHO। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों की अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के नए उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? विनय कुमार सक्सेना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदानी ग्रुप ने आंध्र प्रदेश में कितने करोड़ रुपए के निवेश के लिए हाल ही में राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? 60,000 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह देश जिसके राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPF बनाने की घोषणा की है? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिंग एजेंसी ICR के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर गिरकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 3.5%। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।